नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं हूँ अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अरुंधति। दोस्तों ये देखिए मेरे बटन रोज, अभी अभी मैंने एक हफ्ते पहले ही मैंने इसको घर के पास आए हुए वेंडर से इसको ख़रीदा है और बहुत खूबसूरत प्लांट मुझे लगा तो मैंने ले लिया। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये वाला मेरे पास पहले था और ये ख़राब हो गया, तो मैं फिर से इसको अपने गार्डन में ऐड किया हूँ और आज मैं इसको रिपोर्ट करने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही इसमें थोड़ी सी फंगीसाइड की अप्लाई भी कर लिया था। जब भी प्लांट कोई लाती हूँ मैं, तो उनमें थोड़ी सी फंगीसाइड में अप्लाई कर लेती हूँ ताकि कोई फंगस ना लगे। तो दोस्तों आज मैं ये दोनों प्लांट को रिपोर्ट करने वाली हूँ और दोनों प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए मैंने ये प्लांटर चूज़ किया है। ये देखिए, ये मिट्टी का पॉट है। ये देखिए, ये थोड़ा सा छोटा है, 10 इंच इसे कहते हैं, पर ये हाइट भी ठीक है, ये 10 इंच का है। अभी ये थोड़ा सा छोटा ही आता है अभी, तो ये पुराना वाला गमला है तो इसका हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसी पॉट में मैं लगाऊंगी ये प्लांट को। और इसके लिए जो मिट्टी मैंने ली है ये पुराना वाला गार्डन सॉइल है। इनमें देखिए थोड़े थोड़े कोल भी है, यहाँ पर चारकोल है, यहाँ पर मैंने इनमें थोड़ी सी ऐड किया है मिट्टी में। और अभी मैं इनमें थोड़ी सी दूंगी। ये देखिए, ये है NPK 1261। इसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो और मैं इसमें दे रही हूँ थोड़े से एप्सम सॉल्ट, ये देखिए 2 चम्मच। और मैं ले रही हूँ थोड़ी सी, ये है बोन मिल, और इनमें ले रही हूँ ये देखिए, ये है नीम खली, और उसके बाद मैं ले रही हूँ बर्मी कंपोस्ट। ये देखिए, बर्मी कंपोस्ट अच्छी मात्रा में देनी है। ये देखिए, गुलाब के प्लांट के लिए गोबर का खाद या फिर बर्मी कंपोस्ट, ये दोनों बहुत अच्छे होते हैं, और ट्यूलिप कंपोस्ट हो तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो अभी ये जो सारे सॉइल है, ये जो फर्टिलाइज़र है, इसको अच्छी तरह से हम मिट्टी में मिला लेंगे ताकि ये मिट्टी थोड़ी सी रिचार्ज हो जाए, क्योंकि ये विंटर गार्डन का मिट्टी है तो जो भी पोषक तत्व तो चाहिए है ये प्लांट के लिए, तो मैंने इनमें इसको ऐड कर लिया है और इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मिट्टी अभी बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये देखिए, थोड़े थोड़े हाथ से भी मिला लेती हूँ जो गुठली बन गए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वाला प्लांटर में पहले लगाते हैं, ये ड्रेनेज होल को अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। पहले अच्छी तरह से थोड़े से इसको दबा देंगे मिट्टी को, ताकि ये मिट्टी थोड़ी सी सेट हो जाए, और ये प्लांट्स को निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, नीचे से भी इसकी रूट निकल आई है, मतलब इसकी रूटिंग बहुत अच्छी हुई है। पहले इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल चिकनी मिट्टी है और चिकनी मिट्टी में थोड़ी सी राइस हस्क मिला लिया है और इसी को लगा लिया है। तो वैसे तो ये निकल रहे हैं अच्छी तरह से, और ये नीचे, ये बीच में जो मिट्टी है, मिट्टी तो नहीं, मुझे लगता है ये सैंड में ही बिल्कुल इसको ग्रो किया है। ये देखिए, तो मैं इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी दोस्तों, इसी मिट्टी को ऐसे ही रख देती हूँ। ये देखिए, नीचे वाला बिल्कुल ये रेत में ही लगा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ। ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे तो इनमें फ्लावरिंग है तो ये ख़राब हो सकती है। हालांकि फ्लावरिंग को अभी कट कर देना चाहिए, पर मैं
इसको कट अभी नहीं करूंगी। ये देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से इसको दबा देना है। ये देखिए, ये प्लांट बिल्कुल थोड़ा सा झुक रहा था, तो इसको बिल्कुल दबाकर अच्छी तरह से मिट्टी में प्रेस कर इसको लगाना है। ये देखिए, और थोड़े से ये प्लांट स्टेबल हो जाने पर फिर चाहें तो मैं इसको रेनी सीजन में फिर इसको रिपोर्ट कर सकती हूँ, पर शायद उसको ज़रूरत नहीं होगी अभी। ये देखिए, ये प्लांट अभी बिल्कुल लगकर तैयार हो गया है, और दूसरी वाले प्लांट को अभी लगाते हैं, और दूसरे प्लांट को भी लगाते हैं। ये देखिए, ठिकरी दे दिए है, और ये देखिए थोड़ी सी मिट्टी पहले दे देते हैं। अच्छी तरह से इसको दबा देंगे, और अभी इस मार्च के महीने में बहुत बढ़िया फ्लावरिंग होती है, बसंत ऋतु है तो बढ़िया फ्लावरिंग होती है रोज़ प्लांट में, तो देखते हैं ये वाले प्लांट में से मेरे कैसे चल रहे हैं इस बार। ये देखिए दोस्तों, ये वाला प्लांट भी निकल गया है, और ये मिट्टी बिल्कुल झड़ रहे हैं, और ये देखिए ये थोड़ी सी रेड मिट्टी है इसके अंदर, ये देखिए ये रेड मिट्टी है, और फिर भी मैं अभी इसकी कोई डिस्टर्ब नहीं करूंगी, अभी मैं इसको रहने दूंगी और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तो पता नहीं ये नर्सरी वाले कैसे इसको लगा लेते हैं ये इतने ऐसे मिट्टी में, तो अभी मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी क्योंकि ये प्लांट बहुत छोटा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाने के बाद इसकी हम छिड़खानी कर सकते हैं, पर अभी ये प्लांट फ़िलहाल के लिए बहुत छोटा है, तो अभी इसको इसी तरह से मैं लगा रही हूँ। और जो मिट्टी मैंने बनाई है वो तो बहुत बढ़िया मिट्टी बनाई है, ताकि ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो करे, और इसको इसकी जो ब्रांचेस हों वो बहुत ज़्यादा निकले ब्रांचेस। ये देखिए दोस्तों, ये वाला प्लांट भी अभी लगकर तैयार हो गया है, और ये देखिए मैंने इसकी थोड़ी सी कटिंग भी प्रूनिंग भी कर दी थी, और ये देखिए ये डेड हेडिंग्स हैं, तो इसको थोड़े से कट करने से ही न्यू ब्रांचेस आएंगे, और नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाएंगे। ये देखिए, इसकी ग्रोथ बिल्कुल आगे की तरफ नहीं है, तो ये ब्रांच को रख कर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके आगे कलियां नहीं आएंगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कलियां नहीं आएंगी, तो इसको मैंने निकाल लिया है, और अभी इनमें न्यू ब्रांचेस जो आएंगे उनमें कलियां आएंगी। तो ये देखिए, अभी मैं इनमें थोड़ी सी पानी दे दूँगी, एप्सम सॉल्ट और फंगीसाइड वाला एप्सम सॉल्ट पहले से ही मिला हुआ है, फिर भी मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ। ये देखिए फंगीसाइड एक चम्मच मैंने मिला ली है, और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, और क्योंकि रूट्स थोड़े से डिस्टर्ब हो गए हैं मुझे लगता है, क्योंकि बीच में बिल्कुल रेत था एक प्लांट में, और एक प्लांट में थोड़ी सी रेड मिट्टी थी, तो इसलिए मैंने एप्सम सॉल्ट फिर से मिला लिया है इनमें, ताकि ये प्लांट सॉक में ना आए। ये देखिए, और एप्सम सॉल्ट की जगह पर मैं फिटकरी भी डाल सकती थी, पर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैंने इसी तरह से एप्सम सॉल्ट और फंगीसाइड का यूज़ किया है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से दोनों प्लांट को मैंने लगा लिया है, और इसको अच्छी तरह से हम अभी पानी दे देंगे, ताकि ये ड्रेनेज होल से बाहर निकल आए। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, पसंद आने पर दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।
फिर किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के संग आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।